अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मौसम काफ़ी खुशगवार है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। और आज गाइस मैं फिर कुछ घास लेने आया हूँ, तो मेरी जो कबूतर है वो फिर से अंडे देने लगी है, तो उसको अभी घोंसले की ज़रूरत है, तो आज हम उसको घोंसला बना बनाए देंगे। तो इसके लिए मैं कुछ घास लाया हूँ, इसे हम आज घोंसला बनाएंगे और वहाँ पर उसके पिंजरे में रख देंगे। तो इस तरह की घास मैं इकट्ठी करूँगा। तो मैं थोड़ी सी लंबी वाली घास लूँगा, उससे जो है घोंसला वो गोल गुलाई में अच्छा बनेगा। तो गाइज, इस तरह से मैंने खुश घास इकट्ठी कर ली है और ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मेरे अब हाथ में भी नहीं आ रही, तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब इसको हम लेकर चलते हैं घर और वहाँ पर पिंजरे में नेस्ट बनाते हैं कबूतरों के लिए, ताकि वो इसमें आराम से अंडे दे सकें। तो गाइज़, ये मैं घास ले आया हूँ घर पे और ये देखें काफ़ी ज़्यादा घास है। और ये मैंने टोकरी ली है मार्केट से, ये तकरीबन 50 रुपये की मिल जाएगी। और ये मैंने लिया है, देखें जाली वाली है, ताकि इसमें से हवा भी क्रॉस होती रहे और अगर बर्ड्स जो हैं कबूतर इसमें अगर वेस्ट वगैरह करें तो वो भी इसमें से निकलता रहे। तो चलें अभी बनाते हैं घोंसला। तो गाइज, ये घास लंबी लंबी घास में साइड पे कर रहा हूँ और फिर उसको मैं गोलाई में इस तरह से जोड़ दूंगा। जो छोटी घास है ना, इस तरह की जो छोटी घास है वो गाइस मैं इसके नीचे इस पैंदे में रख दूंगा, ताकि ये नरम रहे, और जो लंबी घास है वो इसके साइडों पर इस तरह की गोलाई में हम डाल देंगे। ये वाली जो छोटी घास है गाइस, इस तरह से इसमें इस तरह से डाल देंगे, ताकि इसके ऊपर जब वो अंडे दे तो अंडा जो है वो टूटे ना। इस तरह से गाइस मैंने ये रख दी है, छोटी घास इस तरह नीचे रख दी और अभी लंबी घास जो है उसको हम इस तरह गुलाई में इस तरह से घुमा कर रखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा जबरदस्त नेस्ट बन जाएगा। तो गाइस देखें कितना खूबसूरत घोंसला बन गया है।
और बिल्कुल नेचुरल। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये टोकरी थोड़ी सी हल्की है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको धागे की मदद से हम बांध देंगे पिंजरे के साथ, ताकि कबूतर जब इसके ऊपर चढ़े तो ये उल्टे ना और ये वहाँ पर फिक्स रहे। तो गाइस, इस तरह का धागा ले लेना है, अगर आपके पास मजबूत धागा है तो वो लेना है। ये काफ़ी मजबूत धागा है, ये हाथ से तोड़ने पर नहीं टूटेगा। और या फिर आप तांबे की वायर ले लें, या फिर एक और होता है बांधने के लिए धागा, कोई भी मजबूत हो वो आप ले लें। और फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैं इसको बांधने लगा हूँ, अच्छी तरह से इसको हम फिक्स कर देंगे। इस तरह से गाइस गुजार कर आपने पिंजरे के बाहर से इसको अच्छी तरह से बांध देना। गाइस अब यहाँ पर फिक्स हो गया, अब ये यहाँ से हिलने वाला नहीं है, तो अब इसमें छोड़ूंगा कबूतर। लो ये देखें गाइस, जूलियट जो है वो घोंसले के ऊपर चढ़ गई है और वो देख रही है, मायना कर रही है। देखें गाइस, मुझे उम्मीद है कि इनको घोंसला पसंद आया होगा ज़रूर, और अब इंशाल्लाह इसमें ये देगी अंडे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इस बार बच्चे ज़रूर निकलेंगे, इस बार अंडे नहीं ख़राब होंगे। एक तो अब मौसम कुछ ठीक हो रहा है, तो इस वजह से अंडे भी ठीक निकलेंगे और बच्चे भी सही होंगे। देखें गाइस, जूलियट जो है वो घोंसले के ऊपर चढ़ी हुई है और उसका मुआयना कर रही है। बाकी अगर इनको कुछ ठीक वगैरह करना होगा तो ये खुद ही इसमें से ठीक कर लेंगे, घोंसले को बना लेंगे अपने तरीके से। हमने इनको पूरा सेटअप दे दिया है और उम्मीद है कि अब इसमें अच्छी तरह से ये अंडे भी देंगी और बच्चे भी निकलेंगे उसमें से।